हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सुधीर शर्मा। आज हम टॉपिक डिज़ाइन के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ डिज़ाइन? द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग बाय थिंकिंग, यानी ये ऐसी प्रक्रिया है जो कि सोच विचार से भावनाओं को पेश करने का एक जरिया है। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ टू क्रिएटिंग एनीथिंग समथिंग यूज्ड टू ब्यूटिफाई, यानी एक प्रॉपर अरेंजमेंट है आइडिया को पेश करने का या किसी चीज़ को सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया गया काम है। अगर प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग की बात करें तो सबसे पहले हम डिज़ाइन के बारे में सोचते हैं, फिर उसको बनाने की कोशिश करते हैं, फिर हमारा डिज़ाइन बन जाता है, उसके बाद हम उसको कलर करते हैं या एक्सेसरी वगैरह यूज़ करके उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिज़ाइन में हम देखते हैं कि सबसे पहले होता है नेचुरल डिज़ाइन, फिर ट्रेडिशनल, फिर डेकोरेटिव, फिर ज्योमेट्रिकल, फिर इमेजिनेटिव या एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन। ठीक है, वन बाय वन हम इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल डिज़ाइन। नेचुरल डिज़ाइन वो डिज़ाइन होते हैं जो कुदरत की देन होती है, जिसमें मनुष्य अपनी छेड़छाड़ कुछ नहीं कर सकता। ये जो नेचर ने बनाए होते हैं उसकी शेप को हम वैसे ही रखते हैं जैसे फूल पत्ते पहाड़ इसके। ठीक है, सेकंड में आ गया ट्रेडिशनल डिज़ाइन। ये ऐसे पैटर्न और डिज़ाइन या ऐसे स्टाइल होते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते हैं। ठीक है, इसमें जैसे फुलकारी, जयपुरी कढ़ाई, ठीक है, कल्चरल पेंटिंग। इसके बाद आ गया डेकोरेटिव डिज़ाइन। ये डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ को ब्यूटीफाई करने के लिए बनाए जाते हैं। इनका मकसद किसी चीज़ को सुंदरता को बढ़ाना है, जैसे हम घर में डेकोरेटिव ग्लासेस, बर्तन वगैरह देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन वो होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न या मेज़रमेंट को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। एक एक शेप को इसको ध्यान में रखा जाता है, प्रॉपर मेज़रमेंट से ये डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया इमेजिनेटिव डिज़ाइन। इमेजिनेटिव डिज़ाइन वो डिज़ाइन होते हैं जो काल्पनिक होते हैं, जिसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है, जो सच्चाई में के ऊपर आधारित नहीं होते, वो काल्पनिक होते हैं। इसको एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन भी कहते हैं, जो अद्भुत होते हैं। थैंक्स।